डिंडोरी में नल जल योजना के तहत पानी की टंकी का निर्माण और पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है ताकि ग्रामीणों को गर्मियों में पानी की समस्या ना हो। लेकिन टंकी का निर्माण और पाइपलाइन बिछाने का काम करने वाला ठेकेदार बिजली की चोरी कर रहा है और इस मामले की जानकारी विद्युत विभाग और पीएचई विभाग को भी है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी नल जल योजना के तहत देश भर में पानी की टंकी के निर्माण किए जा रहे हैं। इसके साथ ही गांव में घर घर तक पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है ताकि ग्रामीणों को गर्मियों में पानी के लिए मशक्कत ना करना पड़े। लेकिन इस मामले में ठेकेदार द्वारा बिजली की चोरी की जा रही है। मामला ढिंडोरी के परड़िया 2 का है, जहां ठेकेदार जिशान अंसारी पानी टंकी निर्माण कार्य सहित पाइपलाइन बिछाने का कार्य कर रहा है, लेकिन वह निर्माण कार्य के साथ ही बिजली की चोरी भी कर रहा है और प्रशासन और राजस्व विभाग को चूना लगा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि विद्युत विभाग और पीएचई विभाग को इस मामले की जानकारी होने के बाद भी सिर्फ ठेकेदार को नोटिस ही दिया गया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एक तरफ जहां विभाग लापरवाही करने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई कर रहा है, वहीं अपने चहेते ठेकेदारों को बचाने का कार्य विभाग के कुछ नुमाइंदे कर रहे हैं। और जब इस पूरे मामले को लेकर विद्युत विभाग के सहायक यंत्री से पूछा गया तो उन्होंने संबंधित ठेकेदार पर जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। बोर्ड नहीं लगाया गया है तो बोर्ड लगवाएंगे, लगा के वो अपना पूरा जानकारी दे कब से कार्य चालू है, क्या है, कौन ठेकेदार है, क्या कैसे, अपना पूरा वो अपना बोर्ड लगा के वो कर। लाइट तो अब चोरी नहीं हो रही है, कुछ क्या है टीसी कटवा ली है शायद। भाई देखो ऐसा है कि वहाँ काम चल रहा है, वो टीसी कटवा लिए है तो वो अब देखो, लाइट तो एक है। हाँ, उसकी कार्रवाई हम करवाएंगे अभी, लिखवा के अभी जे साहब को भेज देंगे वहाँ पे देखने के लिए, जो भी होगा हम उसकी कार्रवाई करेंगे। वो पूरी जांच करने के बाद ही पता चलेगा कि टीसी लिया गया है या नहीं लिया गया। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।